प्लानिंग शुरू से करना होता है लद्दाख जाने के लिए, कम से कम नहीं तो 4-5 महीने पहले। 250 आ गई है क्या? नहीं सर, कल से 250 अभी नहीं आएगा। ठीक है बस। ये है भाई R1, कल तक नहीं मिल पाएगी। दिवाली का है ना, पेमेंट का कर रहे हैं। गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग सरोल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी ये यूट्यूब की बदौलत हूँ, यूट्यूब के पैसे से ही मैं कुछ खरीदारी करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। ये यकीन मानिए ये मेरा ड्रीम भी है, और मैं पिछले साल से मैं प्लानिंग कर रहा था और इस चीज के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी किया हूँ, और आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट और प्यार किए हैं। एक बाइक लेने का सोच रहा हूँ मैं, और ये बाइक कौन सी हो सकती है वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। लेना चाहता हूँ बट देखते हैं हमारे बजट में है या नहीं है, वो तो वहीं चलकर पता चलेगा। एक अनुमान लगा के चल रहा हूँ मैं कि हाँ इतने तक मैं खर्च करूंगा, अगर उससे ज्यादा होगा तो मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला। इसके लिए फिर अगले साल का वेट करेंगे, तो पहले एक बार देख लेते हैं। गाइस तो भी मैं सुपेला मार्केट तरफ आ चुका हूँ, देन यहीं से मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ ना कि यामा शोरूम चले जाऊँ, R15 देखना है मुझे कम्फर्टेबल है कि नहीं है लंबे राइड के लिए। वैसे तो मैं उसका थोड़ा बहुत देखा था मैं यूट्यूब पे, लेकिन रियल में देखना है मुझे कम्फर्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि मैं बाइक जो खरीद रहा हूँ ना, अभी जरूरत क्या चीज का है कि दिवाली के बाद, जैसे कि मैंने हर वीडियो पे बता रखा है, लंबे लंबे राइड करने मुझे जनवरी या फरवरी के समय में लद्दाख जाने का फुल प्लानिंग में हूँ मैं। अब सक्सेस होता है या नहीं होता है वो तो फिलहाल वक्त ही बतलाएगा, लेकिन प्लानिंग शुरू से करना होता है लद्दाख जाने के लिए कम से कम नहीं तो 4-5 महीने पहले से। राइडर बूट होते हैं, राइडर जैकेट, बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं, खर्चे स्टार्टिंग बहुत होते हैं। देखते हैं इस कदर से रहेगा अपना जर्नी अगर कभी भी जाने का प्लान बनता है तो। इस साइड में है, पहले मैं पेट्रोल फिलअप करा लेता हूँ, पेट्रोल ना के बराबर है इसमें। अभी मैं दुरुख साइड आ चुका हूँ, पहले यहाँ पता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं भिलाई शहर में पता करेंगे। ये है बजाज शोरूम, देखता हूँ यहाँ पे 220 है या 250 है कि नहीं है। ये 250 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, अगर टेस्ट ड्राइव मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई साहब, देखते हैं। तरह से पूरी बाइक ही बाइक है भाई साहब, देखना है अपने को कौन सी बाइक मिल सकती है। देन देखता हूँ 220, ये है भाई 220, नई कलर में आई हुई है, एक से एक मॉडल है। 250 आ गई है क्या? नहीं सर, कल से 250 अभी नहीं आएगा। अच्छा, नवंबर में आएगी। अच्छा, और ये 220 का क्या है? 220 सर आपका 156,000। BS6 है ये? हाँ सर। अच्छा, इसमें कितने कलर हैं अभी फिलहाल? ब्लैक एंड रेड। अच्छी वाली, सही है भाई, देख लीजिए गाइस अपनी ड्रीम बाइक है। दोनों कलर अवेलेबल है यहाँ पे, देन सही है भाई। कितना बताया था इसका? 56। ठीक है बस, सपनों की बाइक है। अगर इसका टेस्ट ड्राइव लेना चाहे तो जी, देन ये वाली भी बाइक मस्त लग रही है, इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं। और ये भाई डोमिनोर खड़ी हुई है 400 वाली, इसका भी प्राइस पूछ लेंगे कितना क्या प्राइस है। ये भी बहुत सही लग रही है। अच्छा, यहाँ दिखाता है, यानी कि भाई टंकी तो एकदम ताबड़तोड़ दिख रही टंकी।
कुछ ज़्यादा ही हैवी बाइक है, लेकिन ये कम से कम ये 2.5 लाख के आसपास होगा। इनका भी प्राइस पूछता हूँ मैं, क्या प्राइस का है। बाकी लेटिना भी है यहाँ पे, सही है ये भी, 400 सीसी की बाइक है भाई। मैम इसका क्या है प्राइस? टू फिफ्टी बोल दिए ना, ठीक। देन ये वाली बाइक देख लेते एक बारी यार, अब आए हैं ना शोरूम में तो देख ही लेते हैं अपन। देन सही है, ये मुझे पसंद नहीं आती बाइक, लोगों को काफ़ी पसंद आती है, मुझे 220 ही ज़्यादा पसंद आई है। एक टेस्ट ड्राइव लेना था उसका, 220 का जी। इसका क्या प्राइस बताए थे आप? ये 256 का, 256। अच्छा उसका बस देखना एक बार, 220 का। हाँ 156,903 का है, 157 का नहीं, 157। ठीक ठीक ठीक, हाँ गाइस तो अभी मैं टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ 220F। भाई सॉलिड दिखती है, चलो चला के देखा जाए। तो लुक वाइज देख रहे हैं आप, चलो बैठे। चलो भाई साहब चला जाए, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मैं स्पोर्ट्स बाइक चलाऊंगा मैं। अरे वाह क्या मक्खन लग रही है, क्लच इसका हार्ड लग रहा है मेरे को। एक ब्रेक मार के देखता हूँ थोड़ा सा, सही है भाई। एकदम पकड़ है भाई हाथों में, पांच गियर है इसमें, क्लच ना स्लीपर क्लच नहीं है इधर ना। एकदम कंफर्टेबल लग रही है गाड़ी, लेकिन क्लच ये मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट लग रही है, क्लच हार्ड है। बाकी गाड़ी तो एक नंबर है, अरे वाह यार एक नंबर भाई साहब, मजा ही आ गया अपने को। रुक कर दूँ क्या गाड़ी वाली, एक R1 में भी कंफ्यूजन था मुझे। परफेक्ट लगी भाई, लुक में भी काफ़ी तगड़ी है, बस क्लच है बहुत हार्ड, देखते हैं। गाइस तो अभी मैं R1 देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं कन्फ्यूजन जो था वो मेरा ख़त्म हो जाएगा अगर मैं R1 भी देख लिया, क्योंकि दोनों बाइक में ही कन्फ्यूजन है मुझे। R1 में 220F में R1 यहाँ तो ऐसे कुछ खड़ी नहीं है, यहाँ देखता हूँ मैं, ये है R1। गाइस ये ब्लैक में है और एक ब्लू में है, इसका ये वाला जो सीट है ये कंफर्टेबल नहीं है। ये R1M में नहीं है क्या? R1M कहाँ है, कहाँ पे है? ये स्कूटी है भाई यामाहा, केवल देखने के लिए। अच्छा ओनली एक ही गाड़ी है क्या आपके पास?
ये है भाई R1, R1 भाई लाइक 220। अरे भाई लुक सही है, पहले से सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल बनी हुई है। अच्छा ये किसी ओनर का है, ये कस्टमर का है। सही है भाई, हैंडल बार भी बहुत सही है। और अवेलेबल नहीं अभी, बुकिंग पे आ रही है। अच्छा बुकिंग पे आ रही है, तो इसको बुकिंग करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 5,000 से कर सकते हो। अच्छा पंद्रह तारीख के बाद, कल तक नहीं मिल पाएगी? दिवाली का है ना, देवी छुट्टी सब गाड़ियाँ। अरे बहुत टाइम लग जाएगा, 8-9 कंपनी स्टार्ट होगा फिर गाड़ी निकलेगा, फिर ट्रक मतलब चलो ठीक है। बाकी लुक वाइज देख रहे हैं आप, काफ़ी सही है। वो कौन सी मॉडल है? B3 है। उसका क्या प्राइस है अभी? 190 है, 191, 192, 190। अच्छा ये पुराने मॉडल है। देखा जाए तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, टंकी का है बस। R1 टेस्ट ड्राइव तो बुकिंग पे ही आएगा क्या अभी, एक आध दो हफ्ते के बाद आएगा तो बुकिंग वालों के हिसाब से ही आएगा। अच्छा गाइस तो मैंने बाइक देखा है भाई, मेरे बजट से बाहर है। हालांकि मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं जो बजट बना रखा हूँ उससे बहुत ज़्यादा बाहर है। पीछे बैठेंगे ना भाई उसकी तो हालत बैंड हो जाएगी। देन मुझे लग रहा है कि वो लंबे सफ़र के लिए सही नहीं है, और मैं इसलिए बाइक लेना चाहता हूँ। है मेरी राम प्यारी भाई बहुत साथ देती है, और इसका साथ मैं कभी छोड़ूंगा भी नहीं। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी खून पसीने की कमाई की है। अभी भी जो ले रहा हूँ वो भी बहुत मेहनत करने के बाद 220 अप लेने वाला हूँ। फाइनली डिसीजन ले लिया हूँ मैं 220 अप का, तो राम प्यारी भी रहेगी। इसे मैं ना किसी को बेचूंगा ना मैं किसी को दूंगा, ये मेरे बहुत करीब है। इसे भी हम चलाएंगे जब अपन सिटी वगैरह में ट्रैवल करेंगे या फिर आसपास के एरिया में जाएंगे। तो ये देखो एक भाई और लेके जा रहे हैं, मैंने नया नया खरीदा। अभी राहुल भैया पे कर रहे हैं अपना पेमेंट अपनी बाइक के लिए, अपनी ड्रीम बाइक के लिए भैया पे कर रहे हैं अभी। और ये देखो ये है पूरा शोरूम, और मैं भैया के कैमरे से ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि भैया अभी पेमेंट का कर रहे हैं।